हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए किया जाए तो जिन कामों को करने में हमारा काफ़ी समय जाता था उन्हीं कामों को कम समय में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ। इन टिप्स को करने में आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर शैम्पू को लेकर के है। आज मैं आपको शैम्पू का एक अलग सा यूज़ बताऊंगी जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा और बहुत ही काम आने वाला है। वैसे तो नॉर्मली हम लोग शैम्पू का यूज़ अपने बालों को वॉश करने के लिए करते हैं ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताऊँगी वो घर के लिए बहुत ही यूज़फुल है और सभी लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। आपको क्या करना है, इस तरह से पहले एक सुई धागा लेना है। सुई से आपको इस तरह से शैम्पू में पूरे होल कर लेना है, देखिए इस तरह से, ताकि होल आगे पीछे दोनों तरफ हो जाए। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए करीबन 10 से 12 आपको होल करने हैं, आगे पीछे होल अच्छे से हो जाए। उसके बाद उस सुई को आपको ऊपर की तरफ इस तरह से पिरो लेना है, जैसे हम लोग सुई धागे से सिलाई करते हैं ना, वह उस तरह से ले लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से करने के बाद आपको सुई को हटा देना है और इस तरह से एक अच्छी सी गांठ लगा देनी है। चलिए आपको बताती हूँ इसका कैसे इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, आप इसको वॉश बेसिन में या किचन सिंक में कहीं भी हैंग कर दीजिए। अक्सर होता है ना हमारे घर में जब हैंड वॉश ख़त्म हो जाता है तुरंत हम लोग जाकर मार्केट से नहीं ला सकते हैं, या एक दो दिन में जाना हो तो इस तरह से आप शैम्पू को बना करके रख लीजिए। अगर बच्चों को हाथ धुलना होगा तो बस इस तरह से वो हाथ में जैसे ही शैम्पू के पाउच को रगड़ेंगे ना, शैम्पू में जो हम लोग ने छेद किया था उसके सहारे से शैम्पू बाहर निकल के हाथों में आ जाएगा। बच्चे आप बहुत ही अच्छे से हाथ को वॉश कर पाएंगे। अगर हम लोग ऐसे शैम्पू रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे अगर काट करके रखते हैं, लेकिन इस तरह से वो ज़्यादा शैम्पू खर्च भी नहीं कर पाएंगे और ना ही शैम्पू ज़्यादा वेस्ट होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब बिल्कुल भी एक दो दिन अगर आपके पास हैंड वॉश नहीं है या आप उसको नहीं ला सकते हैं, इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही काम भी आएगा और इसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है। एक रुपये का शैम्पू आपके काफ़ी दिन तक चलेगा, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से जो मसाले के खाली रैपर ये पैकेट होते हैं ना, उनको हम लोग उठा करके फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसका भी एक अलग सा यूज़ बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आने वाला है और हम लोगों का घर भी से ऑर्गेनाइज रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको जो खाली रैपर है इसको इस तरह से मोड़ लेना है, अच्छे से जो इसके हैंडल होते हैं ना, जो कवर होता है इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है, अच्छे से कवर कर देना है। अब आपको क्या करना है, कवर करने के बाद आपको ले लेना है यहाँ पर सेलो टेप या डबल टेप, कोई भी जो है आपके पास ले लीजिए। तो मैं यहाँ डबल टेप का यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। ये बन करके तैयार आएगा तो इससे हम लोग का घर तो ऑर्गेनाइज रहेगा, साफ़ सुथरा भी रहेगा। अब आपको क्या करना है, डबल टेप आप चाहे पीछे या जिधर भी आपका मन हो इधर लगा लीजिए इस बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए बन करके तैयार हो गया। अब इसको कहाँ पे रखना है, आपको क्या करना है, इसको अलमारी के पीछे या दरवाजे के पीछे या फिर आप ड्रेसिंग टेबल के साइड में इसको लगा दीजिए। अच्छा, इसका यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे चिपका दीजिए, आराम से चिपक भी जाएगा। अगर आपके घर में कोई होल्डर हो तो आप इसमें होल्ड करके इसको हैंग भी कर सकते हैं। इजी तरीके से ये चिपका भी रहता है और टंगा भी रहेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे घर में हम लोग बाल वगैरह जब खींचते हैं ना, हेयर फॉल तो थोड़ा बहुत ज़रूर होता है, तो घर में क्या होता है इस तरह से बच्चे या घर के कोई बड़े हो तो इस तरह से बालों को निकालते हैं कंघी से, कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है बाल इधर उधर उड़ते हैं, कहीं उधर जाते हैं। जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो काफ़ी बाल जो होते हैं वो झाड़ू में चिपक जाते हैं। आपको क्या करना है, जब भी घर में आप बाल को झाड़ें या घर का कोई भी सदस्य आता है बाल निकलते हैं तो इस तरह से आप अगर दरवाजे के पीछे लगाते हैं तो बाल निकालने के बाद इसी के अंदर डालें। आप सबको बता देंगे तो सभी लोग इसको डालेंगे, इससे क्या होगा घर साफ़ सुथरा रहेगा, बाल इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, इस तरह से एक पुराने मसाले के डब्बे का यूज़ कर सकती हैं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर इस तरह से सिंक को लेकर के है। यहाँ पर देखिए मैं सिंक का यूज़ कर रही हूँ, करीबन 15 से 16 साल हो गए हैं और इसकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। तो आज मैं आपको अपने सिंक को साफ़ करके दिखाऊंगी कि हर एक हफ्ते मैं इसका यूज़ करती हूँ तो सिंक मेरा हमेशा चमकता रहता है। यहाँ पे देखिए सिंक मेरा गंदा हो गया है, मैंने सोचा जैसे मैं अपना सिंक साफ़ करती हूँ तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो इसके लिए आपको किस चीज़ों का यूज़ करना है, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने एक चम्मच आटा लिया है, तो यहाँ पर मैंने कौन सा आटा लिया, अक्सर जब हम लोग रोटियाँ वगैरह बेलते हैं तो उसका जो परथन वगैरह निकलता है ना, साइड से आटा गिरता है रोटी बेलते समय, तो मैं इसको इकट्ठा करके रहती हूँ और इन्हीं सब चीज़ों में इसका यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आपको एक चम्मच आटा ले लेना है गेहूँ का। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है सिट्रिक एसिड, जो नींबू का सत्व होता है, इजी तरीके से मार्केट में मिल जाता है, 10 रुपये का पैकेट आता है और करीबन महीने भर चलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पीस लिया, ये दानेदार होता है। आपको क्या करना है, इसी आटे में मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर विनेगर का यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी।
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है कोई भी डिटर्जेंट पाउडर, जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए अपना मनपसंद, और एक चम्मच आपको इसी में डालना है, मिक्स कर लेना है। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ नहीं करती हैं तो कोई भी साबुन की बट्टी आप इस तरह से क्रश या घिस लीजिए, उसको भी आप मिक्स कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है एक चम्मच वाइट नमक, जो टाटा नमक होता है आप उसी का यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको भी मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को मिक्स करने का ये सॉल्यूशन बन करके तैयार हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये एक बार नहीं करीबन चार पांच बार यूज़ हो गया। सिंक हम लोगों का इतना ख़राब कैसे हो जाता है, बहुत जगह पे खारा पानी आता है, मेरे घर में भी खारा पानी आता है, जिसकी वजह से सिंक या स्टील के बर्तन ख़राब हो जाते हैं। चिमनी वगैरह, जो स्टील की बाल्टी वगैरह आपकी इस तरह से हो गई हो, आप उसको चमका सकती हैं। तो आप इसको बनाइएगा, इसका यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक या डेढ़ चम्मच डाल देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है स्क्रबर इस तरह से। यहाँ पे देखिए मैंने पुराना स्क्रबर लिया, मैं इसी से इसको सिंक को साफ़ करती हूँ। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई है, आप हल्का सा यहाँ पे पानी डाल लीजिए। अब पानी डालने के बाद आप इसको रगड़िए, करीबन आपको दो मिनट इसको रगड़ना है। जितने भी सिंक में जो दाग वगैरह होते हैं, धब्बे होते हैं, जिसकी वजह से सिंक हम लोग का ख़राब लगने लगता है, ऐसे लगता है अभी एक ही दो साल पहले सिंक लगाया है, और ऐसा लगता है पुराना हो गया है सिंक का लगा हुआ। लेकिन जब आप इसको लगाएंगे ना, तो पुराना से पुराना सिंक में जो दाग धब्बे होंगे वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। आप इस तरह से जो स्टील के नल या टैप होते हैं ना, आप उनको भी क्लीन कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको रगड़ना है, और इसको तुरंत वॉश नहीं करना है, करीबन आप इसको पाँच मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से वर्क करें। पाँच मिनट के बाद यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, पानी से इसको सिंक को धो लेना है। आप देखेंगे सिंक पहले कितना ख़राब था, और इस तरह का सॉल्यूशन का यूज़ करके सिंक को आप बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। दो या तीन रुपए का खर्च आता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता। एक बार आप इसको बनाकर डिब्बी में रख लीजिए, और आप हफ्ते में एक बार सिंक को साफ़ करेंगे ना, तो सालों साल आपका सिंक हमेशा चमकता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने हल्का सा एक दो मिनट रगड़ा है, सिंक पूरी तरह से साफ़ हो गया है, जो काले दाग धब्बे थे वो भी पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल सिंक बिल्कुल नया लग रहा है। आपको लग ही नहीं रहा होगा करीबन 15-16 साल ये पुराना सिंक है। तो देखिए इसका यूज़ आप ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जो लिक्विड वाला आप डाल सकती हैं विनेगर, तो आपको क्या करना है, इस तरह से पहले तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, आटा है, डिटर्जेंट पाउडर है, और इस तरह से नमक, तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। जब आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर डालकर अच्छे से सिंक को साफ़ कर सकती हैं। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे सोयाबीन को लेकर के हैं। सोयाबीन बच्चे बहुत पसंद करते हैं, हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ला कर इसको स्टोर कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं बरसात का मौसम जैसे ही आता है या ज़्यादा पुरानी होने लगती है इस तरह से सोयाबीन, तो क्या होता है उसमें नमी आ जाती है। आप हाथ से दबाएंगे ना तो बहुत ही ईजी तरीके से दबने लगती है, और अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लाती हैं, जिस डब्बे में आप स्टोर कर रही हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से चावल ले लेने हैं। जो चावल हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी चावल आप लीजिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना करीबन आधा चम्मच, और इस तरह से डायरेक्टली आपको इस तरह से जिस भी बॉक्स या डब्बे में आपने सोयाबीन रखी है, चावल आपको इसके अंदर इंसर्ट कर देने हैं। देखिए जब आप सोयाबीन निकालेंगी तो चावल नीचे बैठ जाएंगे, आप आराम से सोयाबीन निकाल सकती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे तेज पत्ता भी रखना है। तेज पत्ता की स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे सोयाबीन में जो नमी के कारण स्मेल आएगी ना, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और सोयाबीन हमेशा फ्रेश रहेगी। तो आपको यहाँ पे दो से तीन तेज पत्ते भी डाल देना है। तो करीबन यहाँ पे आधा किलो सोयाबीन थी, तो मैंने इसी में इस तेज पत्ते को डाल दिया। इससे सोयाबीन हमेशा फ्रेश रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।